स्टूडेंट्स अस्सलाम स्टूडेंट असल वरम्त बेटा जो हज आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज कोवेलेंट कंपाउंड्स एंड देयर प्रॉपर्टीज बट अब बिफोर गोइंग टू डिस्कस द कोवेलेंट कंपाउंड्स एंड देयर प्रॉपर्टीज फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस है लास्ट सेशन की जो वीडियो उसको हम बेटा रिकेपुलेट करने की कोशिश करेंगे उस लास्ट टॉपिक में हमने जो डिस्कस किया था उसमें हमने देखा है कि मॉलिक्यूल्स कैसे बन जाते हैं तो दैट मीन्स मैंने आपको बताया है लास्ट वीडियो के सेशन में मैंने आपको मालिक्यूल आपको बताया है कि जब दो या दो से ज्यादा एटम्स ग्रुप ऑफ एटम्स कंबाइन हो जाएंगे वो जब वो कम्बाइन होके उसके बाद वो एक मालिक्यूल बनाता है अब मालिक्यूल्स कैसे बन जाते हैं तो मैंने आपको वहीं पे बताया कि मालिक्यूल्स बनने के लिए या तो कभी कभार एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं स्टेबल बनने के लिए या तो कभी कभार इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं कोई एटम जो होते हैं दो एटम्स के दरमियान कोई एटम लॉस इलेक्ट्रॉन करता है दूसरा एटम गेन करता है उस तरीके से आयोनिक बॉन्ड भी बन जाता है अब मालिक्यूल बनने के लिए कभी कुबार या तो आयोनिक कोवलेंट कंपाउंड बनेगा कोवलेंट बॉन्ड बनेगा या कभी कुबार एटम्स के दरमियान आयोनिक बॉन्ड भी बन जाएगा इसीलिए जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज कोवलेंट कंपाउंड्स अब बेटे जब मालिक्यूल बन जाते हैं तो उसमें मैंने आपको बेटा बताया है जितने भी हमारे पास एटम्स होते हैं फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक हाइड्रोजन एटम एन एटम हाइड्रोजन एटम इट कैन फॉर्म एन हाइड्रोजन मालिक्यूल सेम इज द केस विद द ऑक्सीजन एटम रैक्ट विद एन ऑक्सीजन एटम इट कैन फॉर्म ऑक्सीजन मालिक्यूल गो मालिक्यूल बनने के लिए एटम्स कंबाइन होते हैं अब ये एटम्स जब कंबाइन होते हैं ये कंबाइन दो तरीकों से हो जाते हैं आइदर दे कैन फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड ये कभी कोवलेंट बॉन्ड भी बना सकते हैं ये आयोनिक बॉन्ड भी बेटा बनाएंगे अब बेटा इस वीडियो में हम बेटा कोवलेंट बॉन्ड को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो जो हम बेटा अपलोड करेंगे वहां पे हम देखेंगे कि आयोनिक बॉन्ड किस तरीके से इन एटम्स के درمیان बन जाता है जहां तक बेटा कोवलेंट बॉन्ड का ताल्लुक है कोवलेंट का ताल्लुक है जब हम बेटा हाइड्रोजन एटम को हाइड्रोजन एटम के साथ हाइड्रोजन मालिक्यूल बन गया ऑक्सीजन ऐटम ऑक्सीजन आइटम के साथ ऑक्सीजन मालिक्यूल बन गया वहां पे हमने ये भी कहा है कि मालिक्यूल दो किस्म के हो सकते हैं ये होमो एटामिक मालिक्यूल भी होगा ये हिटीरिक मालिक्यूल भी हो सकता है होमो एटोमिक मालिक्यूल में मैंने आपको बताया जब सेम टाइप ऑफ एटम्स कंबाइन होंगे मैंने आपको ये भी बताया है जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स कंबाइन हो जाएंगे ये भी केमिकल एक मालिक्यूल बना सकता है बट yeah, जब जब डिफरेंट एटम्स कंबाइन होते हैं इसको हम हिटीरियो एटॉमिक मालिक्यूल कहते हैं अब होमो एटॉमिक मालिक्यूल को हम बेटा मालिक्यूल ऑफ एलिमेंट भी कहते हैं और हिटीरियो एटॉमिक मालिक्यूल को हम मालिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड भी बेटा uh, कह सकेंगे बट अब जब बेटा हमारा आज का टॉपिक है दैट इज मोस्टली द कोवलेंट कंपाउंड्स यानी कोवलेंट कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो एटम्स के दरमियान जब कोवलेंट बॉन्ड बनेगा गो बिफोर गोइंग टू डिस्कस द कोवलेंट कंपाउंड कंपाउंड कोवलेंट कंपाउंड को पढ़ने से पहले पहले आपको पता होना चाहिए कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है बेटा जब आप देखोगे मैंने आपको बताया एटम्स एग्जिस्ट नहीं होते हैं आइसोलेटेड एटम एक आइसोलेट uh, एग्जिस्ट नहीं होगा क्योंकि एटम जो होते हैं ये कंबाइन होकर मालिक्यूलर फॉर्म में बेटा एग्जिस्ट होते हैं अब जब हम बेटा हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन मालिक्यूल बन जाएगा या इसी तरीके से हम ऑक्सीजन ऐटम ऑक्सीजन ऐटम की बात करेंगे तो ऑक्सीजन मालिक्यूल बनेगा अब हमें यहाँ पे देखना है कून सा बाढ़ बनेगा क्या यहाँ के यहाँ इनके दरमियान अयोनिक बॉन्ड बन गया या कोवलेंट बॉन्ड बन गया जहां तक बेटा हाइड्रोजन का ताल्लुक है आपको पता है कि हाइड्रोजन एटम जो है

अब वो इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट होते हैं तब जाके एक एटम स्टेबल बनता है जहां तक एटा हाइड्रोजन की बात है तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज वन वो इसके पास एक प्रोटॉन होगा सेंटर में न्यू न्यूक्लियस में और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट के जो शल्स होते हैं एनर्जी लेवल्स होते हैं उसमें इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है पहले वाले शेल में मगर आपको पता है पहले वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए दो गो दैट मीनस हाइड्रोजन एटम अभी स्टेबल नहीं है अगर इसके पास यहां पे हम डॉट स्ट्रक्चर के जरिए आपको इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कोवल कैसे बनेगा अगर बेटा हाइड्रोजन ले लोगे आप इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है वी विल टेक मेक डॉट डॉट स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर हम यहां पे इसका बनाएंगे बेटा गो दैट हाइड्रोजन का एटोमिक नंबर वन है गो इसके पास इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इलेक्ट्रॉन ही शेयर हो जाते हैं यही बॉन्डिंग में टेक पार्ट करते हैं गो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है अभी ये स्टेबल नहीं है क्योंकि पहले शाल में दो इलेक्ट्रॉन्स होनी चाहिए इसी तरीके से दूसरा हाइड्रोजन एटम है इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है ना इधर आपका आपको बेटा पता है ये जो हाइड्रोजन एटम है ये भी स्टेबल नहीं है और ये हाइड्रोजन भी एटम स्टेबल नहीं है अब बेटा क्या होता है ये हाइड्रोजन एटम जो दो होते हैं ये अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो दैट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन एटम के साथ शेयर करके इस तरीके से ये हाइड्रोजन भी इसके पास भी दो इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं और इस तरीके से इस हाइड्रोजन एटम के पास भी दो इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं इसके बाद एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन जाता है

इलेक्ट्रॉन्स जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन दो एटम्स के साथ शेयर हो जाएंगे इन ऑर्डर टू बिकम स्टेबल क्योंकि ये इसीलिए इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं ताकि दोनों एटम्स स्टेबल बन जाएंगे ऐसे शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द टू एटम्स वी कैन कॉल इट एज ए कोवलेंट बॉन्ड अब बेटा आपको अगर कोई कहेगा वाट इज कोवलेंट बॉन्ड आपका सिंपल डिफिनेशन होनी चाहिए कि कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्मड बिटवीन द एटम्स बाई म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ अलेक्ट्रॉन्स जब दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन् शेयर हो जाते हैं क्यों शेयर होते हैं स्टेबल बनने के लिए आईसी म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ अलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द टू एटम्स वी कैन कॉल अ बॉन्ड इज फॉर्मड ए केमिकल बॉन्ड इज फॉर्मड दैट केमिकल बॉन्ड इज सिंपली नोन एज ए कोवलेंट बॉन्ड अब बेटा जहां पे भी किसी भी केमिकल कंपाउंड में या किसी भी मालिक्यूल में जब इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएंगे कोवलेंट बॉन्ड बनेगा उन कंपाउंड्स को उन केमिकल कंपाउंड्स का हम कोवलेंट कंपाउंड्स कहेंगे वो जिनके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड बनेगा नेक्स्ट वीडियो में हम बेटा आयनिक बॉन्ड को डिस्कस करेंगे बट यहां पे एक बात और मैं ऐड करना चाहता हूं बेटा यहाँ पे जब आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं उसके बाद कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है अब इन कोवलेंट कंपाउंड्स के पास ये प्रॉपर्टीज होती हैं कि यहां पे इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाते हैं अब जब इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो ये यहां पर आयनिक बॉन्ड बॉन्ड बनेगा अब आयनिक बॉन्ड में क्या हो जाता है वहां पे दो एटम्स एक एटम अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन लॉस कर करता है और जो नॉन मेटल होगा वो अपना इलेक्ट्रॉन गेन करता है जहाँ पे भी लॉस एंड गेन इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे बिटवीन द एटम्स सच वो बॉन्ड जो होगा उस बॉन्ड को हम बेटा आयोनिक बॉन्ड कहेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम डिस्कस करेंगे जहाँ तक बेटा आयोनिक कंपाउंड्स का ताल्लुक है इनका जो फिजिकल स्टेट है अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे अगर आप प्रॉपर्टीज देखोगे आयोनिक कंपाउंड की पहली प्रॉपर्टी अगर इनका हम फिजिकल स्टेट देखेंगे इनका फिजिकल स्टेट क्या होगा ये जो अयानी कंपाउंड यानी कोई भी मालिक्यूल हाइड्रोजन मालिक्यूल ये भी अनी कंपाउंड है ये भी अयानी मालिक्यूल ही होगा जिसमें कोवोलेंट कंपाउंड uh, है ये क्योंकि इसमें कोवोलेंट बाउंड बन गया तो इसी तरीके से इनका जो फिजिकल स्टेट है मोस्टली ये किसी भी स्टेट में बेटा एग्जिस्ट हो सकते हैं दैट मीनस ये अने कोवलेंट कम्पाउंड सॉलिड स्टेट में भी हो, होंगे ये लिक्विड स्टेट में भी होंगे और ये गैशियस स्टेट में भी बेटा होंगे तो दैट मीनस फिजिकल

हमारे सेकंड प्रॉपर्टी का ताल्लुक है दैट इज़ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जहाँ तक मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का ताल्लुक है ये जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं इन में मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होता है एज़ कंपेयर टू द आयनिक कंपाउंड्स क्योंकि वहाँ पे लॉस एंड गेन होता है इसी तरीके से अगर हम तीसरी प्रॉपर्टी को देखेंगे जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं दे आर इंसॉलीबुल ये इनसॉलीबुल होते हैं पोलर सॉल्वेंट्स में लाइक वाटर है या बेंजीन है अल्कोहल है उनमें ये बेटा इंसॉलिबल होते हैं इसी तरीके से अगर हम बेटा यहाँ पे हमने कहा कि जो सॉल्युबिलिटी होती है ये इनसॉल्युबल होते हैं किन में जो पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं जिसमें लाइक वाटर बट सॉलीबुल होते हैं ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में जैसे अल्कोहल है बेंजीन है पेट्रोल है ईथर है क्लोरोफॉर्म है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये सोलिबुल है और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये सोलबल होते हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये इनसॉल्युबल होते हैं कौन वो दैट मीनस द कोवल एंट कंपाउंड इसके साथ साथ हमारे पास इसकी लास्ट प्रॉपर्टी है जहां तक लास्ट प्रॉपर्टी का ताल्लुक है ये जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ये पोर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं क्योंकि इसमें अन्नज नहीं बन जाते हैं तो दैट इज़ वाई दे के नॉट कंडक्टर द इलेक्ट्रिसिटी थैंक यू हैव ए नाइस डे बट यहाँ पे मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ बेटा यहाँ पे मैंने कुछ होम असाइनमेंट रखा है दैट इज़ कुछ टर्म्स को आपको बेटा डिफाइन करना है दैट इज़ मालिक्यूल इसको आप डिफाइन करोगे वैलेंसी किसको कहते हैं और एटॉमिक नंबर ये ऑलरेडी आपने पढ़ा है बेटा या अब आज का जो टॉपिक था दैट वाज कोवल एंड एंड देयर प्रॉपर्टीज डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में हम अयानी कंपाउंड्स uh, और उनकी प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करेंगे थैंक यू हैव ए नाइस डे